किसी का नाम है फ्लोटिंग गार्डन, ये बार का जैसा पानी का नाम। जी, अच्छा। उस दिन उसका बोलता है चोरी का जमीन, चोरी का जमीन। ये हवा से दूसरी खेती में जाता है। अच्छा, अगर एक किसी खेत में जाता है तो वो वापस नहीं देता। नमस्कार और स्वागत आप सभी का, मैं हूँ योगी सारस्वत, आइए डल लेक घूमते हैं। मेरी भी खींच लियो। ठीक है भाई, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। देख मेरी ना, अबे वहीं से खींच लिया आपने। अच्छा, ये पीछे का, पीछे का, पीछे का। लेक में, डल लेक में बोटिंग करते हुए कोई उसे भी याद आ रहा है। अच्छी जगह है, बहुत साफ सुथरी भी है, लेक साफ सुथरी है बहुत। तो वो कम होता है ना, थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर में नहीं हो जाता है। हाउस बोट अलग होती है, हाउस बोट में आप सकते हैं, सो सकते हैं, सो सकते हैं, खाना पीना अलग कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे। बीच लेक में मैगी पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक चिप्स। बीच लेक में है ये, वो साइड में आपको हाउस बोट दिख रहे होंगे। यार कुछ तो ले ही लेते हैं, कुछ तो ले ही लेते हैं। चाय कॉफी की ना, नहीं चाय कश्मीरी का। अबे आपकी फोटो कितनी है, 20 है जो है। खीरा कैसे दे रहे हो? खीरा जो है प्लेट पर 50 रुपीस। एक ले लो, एक खीरा काट, कड़वा मत देना भाई, देख लो। हाँ, मसाला वसाला सब, चाय है, कॉफी भी है। कोई चाय की दुकान है, कोई कॉफी की दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है। कहवा कितने का है? कहवा 40 रुपीस। चाय, कॉफी और खीरा बेच रहे हैं। ये हमारे पायलट साहब है, अरे देखेंगे आप, बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ पे। हम डल लेक के बीचों बीच में है अंकल। ये कितनी गहरी होगी, यही दिखाई दे रही काई? 10-12 फुट है नीचे तक है घास। अच्छा, जड़ होते ना वो दल दल के। मिलते हैं आप सबसे दोबारा अगली। तो साफ सफाई तो करती है कोई मशीन? तेहरान डीलक्स, ये भी हाउस बोट है ना, तेहरान डीलक्स। ये देखिए, तुम्हारा भी तो चैनल है ना राहुल? कोई एक मूवी आई थी पीपली लाइव आमिर खान की। एक गई, एक और बोर्ड गई। आप देखेंगे ये एक दुकान है जो कि देखो कई सारे फल हैं उसके पास। फ्रेश फ्रूट चाट, फ्रूट चाट बेच रहा है। ये फ्रूट शॉप है, वो वाले कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखे हैं, शॉप है। तो उसका बोलता है चोरी का जमीन, चोरी का जमीन। ये हवा से दूसरी खेती में जाता है। अच्छा, अगर एक किसी खेत में जाता है तो वो वापस नहीं देता है, तो अच्छा। चोरी होता है। अच्छा, ये फ्लोटिंग गार्डन है, देखेंगे। बोस्टन गुलिस्तान हाउस बोट, बहुत सुंदर है। इसको क्या कहते हैं जहाँ घर पे रुकते हैं? क्या पैसा होता है इनका एक बार? लगभग 4,000। गर्लफ्रेंड के लिए ले लो, ये है फ्लोटिंग मार्केट, चलता फिरता बाजार। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग मार्केट। ये एक और शॉप, देखो छोटे वाले सेम हो जाएगा ना सब। अच्छा, काम के रहेगा ना ये वाला।
बोटिंग करते करते ही शॉपिंग भी हो रही है। अच्छा करिंग भी है। और जो ये वाला भैया दो बोट एक साथ चल रही है। सर जी इतना मत सोचो, ये वाला ले जाओ, मैं इसमें चेंज कर लेता हूं। ये घर तो बहुत पुराने हो गए ना। ये पुराने, ये थोड़ा उसमें जो पानी वानी आता है ना, हाँ उससे वजह से खसका पड़ा, गल जाता है। जहाँ से इसको होता है यहाँ पे बनाने नहीं देता है। अच्छा, न तो छूट छाक करता है। हाँ मगर यहाँ पे एक टीम आता है वो तो गिरा देता है फिर। इसकी वजह से आगे ये मैं उसमें ट्रांसफर करेगा ना, ये निकालूंगा उसमें। ये हाउस बोट के बराबर से निकल रहे हैं, देखिए ये ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाते हैं, एक जगह फिक्स हो जाते हैं ये। भैया देखो हमने आपसे हमने प्राइस के भी कुछ नहीं बोला ज्यादा है ना, जितना आपने लगाया फर्स्ट टाइम हमने उतने मांगे। ये हाउस बोट पर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जोनसा को पसंद आएगा वो ले लेगा मम्मी को। मैंने तो अपने ये हाथ में डाल लिया। तो हाथ में डाल लिया। इधर का दिखाता हूँ, इसके बीच में वीकेंड खाली है।